Hey guys, मैं ओटोनी। आज के इस वीडियो में मैं एक डॉम्स का 10 रुपीस वाला पैक का यूज करने वाला हूँ, जो कि बहुत चीप है। जी हाँ, तो जैसे कि हमारा कलर पेंसिल चीप होने वाला है, तो चीप होने की वजह से हमारा पेंटिंग या ड्राइंग चीप होने वाला है। क्या आपकी मर्जी, जो आप बोलना चाहे, ठीक है। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है क्लिक करके ऑल कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए इस बात की दोस्तों, स्टार्ट दी वीडियो। तो ये डॉम्स का 10 रुपीस वाला पैक, इसमें ब्लैक कलर नहीं है और ये कुछ मैंने लूजेस मतलब खुले वाले है मेरे पास, फेबर कैस्टल कैमलिन थोड़े मिक्स है ये, और ये मैं अभी स्काई कलर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें स्किन कलर की कमी है, फिर भी मैंने हल्का हल्का स्किन कलर लाने की कोशिश की है। मैं पेपर से हल्का हल्का ब्लेंड भी कर रहा हूँ। मैं पेड़ बना रहा हूँ, मतलब पहले आप देख सकते हैं कि मैं पहले बाउंड्री पे डार्क कलर का यूज कर रहा हूँ, फिर अंदर अंदर से लाइट कलर का यूज कर रहा हूँ। अभी मैं जमीन पे मतलब जो लैंड है वहाँ पे मैं हल्का ग्रीन कलर का यूज करके डार्क ग्रीन का यूज कर रहा हूँ, फिर मैं अभी ब्राउन का यूज कर रहा हूँ, येलो का भी यूज कर रहा हूँ। सभी को एक साथ मर्ज करना है आपको, और टिश्यू पेपर से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो अभी जैसे आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा घर में येलो का भी कलर है और ब्राउन भी है, तो पहले हम हल्का येलो का शेड चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद ब्राउन का ये कर देंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा डार्क करते जाना। अभी मैं ट्री पे आया हूँ, पहले एक हल्का लेयर चढ़ा रहा हूँ ब्राउन कलर का और येलो कलर का, जहाँ पे हाईलाइट है, ठीक है। अभी मैं डार्क कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैं ब्लू कलर से थोड़ा हाईलाइट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है, तो मिक्स करने पे थोड़ा बहुत ब्लैक का टेक्सचर आ जाएगा। तो आप कलर की तो क्वालिटी देख ही सकते हैं कितनी, मतलब उतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो आप स्टेडलर का हार्डलाइन वगैरह वगैरह अप्सरा का कैमलिन का अलग अलग वाले अच्छे आते हैं, उसके पिगमेंट अच्छे अच्छी बात नहीं लगी कि वो जल्दी मतलब ज्यादा प्रेशर का अप्लाई हम नहीं कर सकते, अप्लाई करेंगे तो टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने वो मैन के कपड़े में येलो का यूज किया, वो फेवर कैस्टल का है, आप पहले देख चुके होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पेंसिल कलर में